इंटर पास रंजीत चला रहा था अस्पताल, इलाज के साथ साथ करता था ऑपरेशन भी। गहरी रात में हत्या का मामला हुआ दर्ज। इंटर पास रंजीत निषाद खुद को डॉक्टर बताता था, मरीजों को उपचार करने के साथ ही ऑपरेशन भी करता था। जिस डॉक्टर के नाम पर अस्पताल का पंजीकरण था उसे स्थानीय लोगों ने कभी नहीं देखा। अस्पताल के बोर्ड और पैड पर कई डॉक्टरों के नाम हैं जिन्हें पुलिस ने नोटिस भेजा है। स्वास्थ्य विभाग के लोगों की भूमिका संदिग्ध है। गिरोह से जुड़े लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर उनकी संपत्ति जब्त कराई जाएगी। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने शनिवार की दोपहर पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुलरिहा के बछहट में सत्यम हॉस्पिटल वर्षों से अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। हॉस्पिटल संचालक रंजीत निषाद बिना किसी डिग्री के डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पैड पर मरीजों का उपचार कर रहा था। 3 जनवरी को उसकी लापरवाही से एक गर्भवती की मृत्यु हुई थी। गैर रातन हत्या, जालसाजी और 15 के भाग 3 इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर शनिवार की सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपित ने जुर्म स्वीकार किया। डॉक्टर सुनील कुमार सरोज के नाम से अस्पताल का लाइसेंस था, वह शहर से बाहर है। गुड़गांव थाना पुलिस ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। एसएसपी ने बताया कि सत्यम से पहले भी रंजीत उसी भवन में दूसरे नाम से अस्पताल चलाता था, पहले चिराग और बाद में प्रियांशु हॉस्पिटल के नाम से पंजीकरण कराया। लापरवाही पर हंगामा मचने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल सील कर दिया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर के एसएसपी ने पत्र लिखा कि वे जनपद में पंजीकृत सभी हॉस्पिटल एवं चिकित्सालय, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी की सूची को मीडिया के माध्यम से पब्लिक को सूचित करें, जिससे अवैध रूप से संचालित होने वाले सभी चिकित्सालयों की जानकारी लोगों को हो सके और कार्यवाही भी की जा सके। जिलाधिकारी से अनुरोध किया जा रहा है कि जनपद में संचालित चिकित्सालयों के संबंध में एक संयुक्त टीम द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जाए, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि जिसके नाम पर चिकित्सालय पंजीकृत है उनके द्वारा ही वहाँ इलाज किया जा रहा है। आईएमए गोरखपुर को पत्र लिखा कि वे अपने माध्यम से उनके यहाँ पंजीकृत सभी डॉक्टर को इस घटनाक्रम के संबंध में सूचित अथवा जागरूक करते हुए सुनिश्चित करें कि कोई भी चिकित्सक इस तरह की अवैध गतिविधियों में सम्मिलित न हो। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि अस्पताल के पंजीकरण के लिए रंजीत ने दलालों का भी सहयोग लिया। कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर को भी अपने स्तर से पंजीकरण की प्रक्रिया की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। गुलरिहा थाना पुलिस ने जैनपुर के गांव के काजीपुर टोला निवासी राम धवन की तहरीर पर रंजीत निषाद पुत्र सुभाष निवासी जैनपुर टोला सत्यनगर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। अस्पताल के पर्चे पर डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला, डॉक्टर रेणु मिश्रा, डॉक्टर निर्भय सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर डी के तिवारी, डॉक्टर विनोद शर्मा, डॉक्टर कमलेश यादव, डॉक्टर शबनम बानो एवं डॉक्टर पी के बख्शी का नाम था। एसएसपी ने बताया कि विवेचक ने सभी डॉक्टरों को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया है।